अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हर न्यूज चैनल के लिए कुलदीप सोनी बरवाला, कैमरामैन रोहित सोनी के साथ में, आज पूरे देश में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा हमारे देश के सैनिकों पर हमला किया, जिससे हमारे देश के बहुत सैनिक शहीद हो गए। इसके रोष स्वरूप आज पूरे देश में सभी देश के नागरिक रोष प्रकट कर रहे हैं। उसी श्रृंखला में आज मेरे बरवाला शहर में अनेकों संगठनों ने रोष स्वरूप कैंडल मार्च निकाला, अपने अपने संस्थान को बंद किया और अपना दुख प्रकट किया। मैं भी एक मीडिया कर्मी के होने के नाते इस दुख की घड़ी में शहीद परिवारों को संवेदना देता हूं और अपने देश के साथ में हूं। आइए आपको दिखाते हैं, हमारे बरवाला इलाके के जो लोग हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। मिलते हैं बरवाला शहर के नागरिकों से। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बताएं जी, देश के ऊपर जो हमला हुआ है फौजियों के ऊपर, हम पाकिस्तान की निंदा करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करते हैं कि जो हमारे देश के रीढ़ की हड्डी पे जो हमला हुआ है इसका बदला ले। हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं। मैं भी यही कहना चाहूँगा माननीय प्रधानमंत्री जी से कि हमारे जो नौजवानों की जाने गई हैं उनका बदला लिया जाए और जो एक एक खून का कतरा है उसका बदला लिया जाए। इंकलाब जिंदाबाद। जो ये हमारे फौजियों के ऊपर हमला हुआ है देश में, बहुत दर्दनाक हुआ है, बहुत गलत हुआ है। क्या करें अब, क्या कहना चाहोगे अभी आप? कार्रवाई होनी चाहिए अंकल जी, आप बताओ। बदला लेना चाहिए। हाँ, करदा से ठीक करिए, पाप उल्टा क्यों डरिए। जो हमारे फौजी भाइयों पे हमला हुआ है उससे के लिए हम बहुत निंदा करते हैं। जो हमारे फौजी भाइयों के साथ हुआ है ऐसा हम पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं। हमें उनकी शहादत पर गर्व है, उन्होंने हमारे लिए अपनी जान गवाई है, इसलिए हम उनसे जो हमारे पाकिस्तान ने हमारे साथ किया हम उनके साथ उनका बदला लेना चाहते हैं। आप बताएं। हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और हम सरकार के साथ हैं। हर भाई, हमें इतना दुख है जो हुआ, ये बहुत गलत किया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान के साथ हमें बदला लेना ही लेना है। आप बताइए भाई, खून के बदले खून और गद्दारों के साथ मुंह तोड़ जवाब चाहिए हमें बस। आप बताएं। फौजियों भाइयों के छोटे छोटे बच्चे थे, किसी की 15 दिन में शादी हुई थी, हैं आज वो इस दुनिया से चले गए, तो हमें हमारे फौजी भाई पे गर्व है और हम कहते हैं कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान से बदला लेना है, हमें बदला लेना है, क्योंकि उनके लिए तो कम से कम बहुत सजा होनी चाहिए, उनको खत्म कर देना चाहिए बिल्कुल पाकिस्तान को, सुनो को। आप बात करें ठीक है जी, और भी हाँ भाई। हाँ जी, दो कुछ बुरा हुआ है बस, बात ही है क्या एग्जाम खलता है। आप बताएं जी, जो हमारे देश के सैनिकों पर हमला हुआ है, हमारे सैनिक शहीद हो गए, इसके बारे में बताएं आप। हमारे सैनिक शहीद हुए जी, इनसे बदला लिया जाए और इससे तकड़ी कार्रवाई करी जाए ताकि इनको अकल आए। आप बताइए। ऐसे जी, हमारे देश पे जो हमला हुआ है उस पर अच्छी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे ऐसी वारदातें ना हो। आप बताएं जी। हमारे ऊपर जो हमला हुआ है बहुत ही दुखदायक है, आगे के लिए जो है ना सही प्रोग्राम होना चाहिए। हमें बहुत बहुत बड़ा दुख हुआ है हमारे देश के ऊपर जो इन्होंने वार की है, इसका बदला हमें हमारे देश की सरकार को जरूर लेना चाहिए। बताइए, देश पर जो हमारे फौजियों पर हमला हुआ उसके बारे में। ये बहुत गलत हुआ हमला और इसका हमने बदला दुगना लेना चाहिए। एक एक कण कण में, एक एक जीव जीव में बहुत करंट है, जो कि हमें आप खुद भी जाके ना उसने बदला ले। देखो जी, ये जो सैनिक हमारे शहीद हुए हैं और पुलवामा में जो
ये जघन्य अपराध हुआ है, ये जघन्य अपराध हुआ है। हम इसकी घोर निंदा नहीं करेंगे, हम तो इसको एक ही बात बोलेंगे कि मोदी जी हमारे को सीधा लाहौर तक चाहिए, साफ सुपड़ा साफ चाहिए। और जो कुत्ता, जो भी कुत्ता इस बारे में राजनीति करे, वो भी उसको भी लाहौर ही भेज दो, उस कुत्ते को भी लाहौर भेज दो, चाहे वो कोई भी हो। और हम भी तैयार बैठे हैं, हमारी जरूरत पड़े तो हम भी खून चाहिए खून देंगे, घर छोड़ देंगे, बच्चे छोड़ देंगे, लेकिन देश नहीं छोड़ेंगे। हमारे को अपने देश से, अपने सैनिकों से प्यार है। राजनेताओं के बच्चे आर्मी में भर्ती नहीं होते, उनको वो नहीं समझते इस दर्द को, हम समझते हैं। इस देश को चलाने वाले राजनेता गद्दार ना होते तो आज ये काम ना होते। मेरा तो कहना मोदी जी से यही है, हमारे बहुत अच्छे प्रधानमंत्री है, कि अब बस हमारे को कुछ नहीं चाहिए, सीधा सुपड़ा साफ चाहिए, हमारे को आधी रोटी मिल जाए एक की जगह, हमारे को न बिजनेस चाहिए न कुछ चाहिए, खून का बदला खून, पाकिस्तान का सुपड़ा साफ। जय हिंद, जय भारत। आप बताएंगे? हम इनकी बात का बिल्कुल तहे दिल से समर्थन करते हैं। और जो ये देश के अंदर जो अंदर गद्दार बैठे हैं, हम मोदी जी से ये निवेदन करते हैं, जो ये देश के अंदर गद्दार बैठे हैं, इनके साथ भी इनका भी इलाज किया जाए, गद्दारों को पाकिस्तान भेज दिया जाए। अब ना कड़ी निंदा चाहिए और कोई आपकी अब न चिंता चाहिए। इस दुख की घड़ी में आप भी मोदी जी के साथ हैं, हमें बहुत दुख हुआ है, बहुत बुरा जो भी हुआ, लेकिन हम मोदी जी के साथ हैं। सबसे पहले हमारा देश है, हमारे फौजी हैं, उसके बाद ये नेता वेता सब उसके बाद है, सबसे पहले हमारा पाकिस्तान के लिए ये एक कायराना हरकत है। और पाकिस्तान वालों ने ये करके अपनी कब्र आप खोद दी। हिंदुस्तान किसी को नहीं छेड़ता, ना हिंदुस्तान की जो आदत है किसी के साथ शरारत करने की। हम अमन पसंद आदमी हैं और हमारा देश भी अमन पसंद का ही है। हमारा प्रजातंत्र सारी विश्व में मशहूर है। हम इस किस्म की शरारतें नहीं करते जिस किस्म की पाकिस्तान करती है। हमने तो पाकिस्तान ने कई दफा दुखी किया, तीन चार दफा इसने हमारे साथ गलत काम किया है। अब इसका नतीजा इसको भुगतना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही हमारी फौजें कुछ न कुछ करेंगी। जो अब हमारे फौजियों पर हमला हुआ है बहुत नाजायज है और ये घटना अच्छी नहीं है, इसका बदला जरूर लेना चाहिए। बताएं जो देश में जो कातिलाना हमला हुआ है फौजियों पर, इसके बारे में बताएं। ये बड़ा कायराना हमला है, इसके ऊपर पाकिस्तान को अटैक करना चाहिए, जितनी जल्दी से जल्दी हो इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताओ जी, जो फौजियों पर हमला हुआ है, हाँ हम इसके खिलाफ है, बहुत ये नाजायज हुआ है। बताएं जी, जो ये ऊपर हमारे देश के सैनिकों पर जो हमला हुआ है इसके बारे में बताएं। ये पाकिस्तान द्वारा बड़ी क्रूरतापूर्वक ये हमला हमारे ऊपर हुआ है और हमारे देश के सैनिक जो शहीद हुए हैं, हम उनसे बदला लेना चाहेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान से बदला चाहिए हमें बदला चाहिए पाकिस्तान से, हमें और कुछ नहीं चाहिए। जितना जल्दी हो उतना जल्दी करें। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम बदला लेकर रहेंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम पाकिस्तान से ये न्याय जरूर करेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। आज हमारे हिंदुस्तान पे पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जो हमला किया है उसका मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। और इस दुख की घड़ी में हम हमारी सैनिकों के साथ हैं, हमारी सहानुभूति है। और सरकार से भी पुरजोर प्रार्थना है कि आज इस जो मानवता का हनन हुआ है इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और पाकिस्तान को सबक सिखाने का काम करे, ताकि भविष्य में ऐसी घिनौनी हरकत ना करें। ये बहुत ही कायराना हमला है जिसकी हम भरसक निंदा करते हैं और सरकार से अपेक्षा करते हैं कि इसका जितने आतंकवादी उन्होंने मारे हैं उससे 10 गुना पाकिस्तानियों को हमारी फौज मारकर बदला ले, तब हमें शांति मिलेगी। और
ताकि उसको भी एक सबक दिया जाए कि इतने सालों से जो आतंकवाद उसने अपने घर के अंदर पाल रखा है उसको यहाँ से जड़ मूल से उखाड़ना होगा और उसको ये सबक